कि रूगलाइजेशन के हवाले से हम ठोस इकदाम उठा रहे हैं। हम अपने डायरेक्टर साहिबा का बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं कि हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज यहाँ पर हम डायरेक्शन ऑफिस आए, जिसमें हमारे साथ पहलगाम से जोर साहब जो पहलगाम के यूनिट प्रेसिडेंट हैं, परवेज साहब अनंतनाग से, फारूक साहब ककरनाग से, गांधरबल से गुलाम हसन, सोपोर से जाहिद साहब, खान साहब से हसीब साहब, ककरनाग से परवेज साहब, गांधरबल से जान मोहम्मद तौसीफ फेरो साहब और मैं और भी हमारे साथ साथी थे जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं हैं, वो चले गए हैं, उनको कोई काम था। तो आज हम डायरेक्टर साहिबा से मिले तो उन्होंने हमें अश्योर किया कि आपकी रेगुलाइजेशन के हवाले से हम ठोस इकदाम उठा रहे हैं। हम अपने डायरेक्टर साहिबा का बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं कि हम उन्होंने हमारी बात को बहुत अच्छे तरीके से सुना। साथ ही हमारी खुशकस्मती थी कि आज ही कोऑर्डिनेशन कमेटी की यहाँ पर मीटिंग थी, जिसमें हमारे इकबाल साहब कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन, जनरल सेक्रेटरी अब्दुल करीम डार साहब और बाकी जितने भी कमेटियों के यहाँ पर प्रेसिडेंट साहब थे वो सब यहाँ पर मौजूद थे। उनको भी हमने अपना मेमोरेंडम दिया और उन्होंने मौके पर ही अपनी सिफारिश उस मेमोरेंडम पर लिखकर डायरेक्टर मैडम को दी है। हम फिर एक बार से डायरेक्टर मैडम का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी बात को बखूबी बहुत अच्छे तरीके से सुना और हमें यकीन दिया कि आपकी रूगलाइजेशन का मसला सरकार के पास जल्दी पहुंचाएंगे और आपकी रूगलाइजेशन इंशाल्लाह जल्दी होगी। साथ ही मैं कोऑर्डिनेशन कमेटी का भी शुक्रिया अदा करता हूं, खासकर उनके जो चेयरमैन है इकबाल साहब का, उन्होंने भी हमारे साथ इजहारी यकजहती इजहारी हमदर्दी किया। साथ ही हमारे जो जितने भी यहाँ पर ओहदेदार मौजूद थे उन्होंने भी अपना दस्त दावन पेश किया और तमाम अपने मुलाजमीन से रिक्वेस्ट की कि इत्तेहाद और इत्तेफाक से रहे, इंशाल्लाह व रहमान आने वाले वक्त में बहुत अच्छी खुशखबरी आएगी। इस हवाले से सरपरस्त हमारे बैठे हैं गुलाम हसन साहब, उनको मैं दावत देता हूँ कि इस बारे में दो बातें कहें। हाँ जाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जैसा कि जूर साहब ने फरमाया कि हमने आज डायरेक्टर मैडम से मुलाकात की और खुशकिस्मती की वजह से यहाँ आज कोऑर्डिनेशन कमेटी भी मौजूद थी और उनसे हमने बहुत तवील मुलाकात की और मुलाकात के दौरान हमने उनके सामने एक मेमोरेंडम पेश किया जिसको हमने वक्त पर ही मारक करके डायरेक्टर लोकल बॉडीज को दिया। और साथ ही हम तमाम म्यूनिसिपल काउंसिल और कम्युनिटी के लड़कों से गुजारिश करते हैं कि आश्वासन अब तक हमें बहुत मिले लेकिन यह आश्वासन तक महदूद नहीं है, हमें और मेहनत करनी है, एकजुट रहना है। इंशाल्लाह कामयाबी आने वाले दिनों में हमारे कदम चूमेगी, ताकि मगर अगर हम आपस में भाईचारे, मेहनत और लगन से इस मसले को आगे उजागर करें और ताकि हमारा मसला